हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ छोटा सा ब्लॉग, जो कि मटी बंगरा के दिन का ब्लॉग है। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे, घर में शादी है, तो उसी का वीडियो है। छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ अब। तो बस हम लोग बैठे हैं आंगन में और पैर में कलर लगाया जा रहा है। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे ही पैर में कलर लगाया जा रहा है। और तो सब कुछ रेडी होकर हम लोग आ चुके हैं। वहाँ सब येलो रंग के साड़ी पहने हैं सभी लोग, और मेरी भी साड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे कैसी है। साड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं, रेडी होके बाहर खड़े हुए हैं, आंगन में ही हैं अभी। तो बस अभी हम लोगों को जाना है माटी लेने, और ये घर के बाहर ये पूजा होता है। तो मठबंगरा के दिन कैसे क्या होता है हम लोगों के यहाँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, और कमेंट करके मुझे कहीं भी कुछ कमी लगे मेरी वीडियो में तो बता दिया करें कि कहाँ क्या कमी है। तो अभी हम लोग हैं, घर के भी लोग हैं इसमें, बाहर के भी हैं, अगल बगल के आस पड़ोस के, तो सब लोग यहीं पे हैं और पूजा हो रहा है बाहर घर के। तो घर के बाहर ऐसे पूजा होता है, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे, दुलारू माता मंदिर है, वहाँ जाते हैं माटी लेने। तो वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे, तो फिर घर में पूजा होगा, तब फिर मटमिंगरा स्टार्ट होगा। तो बस सब घर के बाहर पूजा हो रहा था, कैसे पूजा होता है क्या होता है फुल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोगों के हम मटी मंगरा कैसे करते हैं। दो दिन पहले होता है शादी के, तो वही वाला रस्म है। सभी लोग इसमें येलो येलो पहने हुए हैं, पीला रंग के कपड़े। और इसके बाद हम लोग जाएंगे आंगन में। तो आंगन में अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे सब औरतें बैठी होती हैं पाँच लोग, और पाँच लोगों को लगाया जाता है सिंदूर, और उनके आँचल में दिया जाता है थोड़ा सा चावल गुड़ ऐसे करके, ये सब रस्म होती है। तो यही सब हो रहा है अभी पे। तो अभी सबको टीका लगाया जा रहा है सिंदूर का, और उसके बाद तो फिर सब लोग को चावल देंगे। तो चावल थोड़ा ज़्यादा दे रही थी, तो हम लोगों को लगा कि भी हम लोगों को मंदिर के पास जाना है और वहाँ से वापस आना है, फिर लेके इतना कौन ढोएगा। तो हम लोग बोले कि थोड़ा थोड़ा दीजिए रस्म के लिए, तो वही हम लोग अभी चेंज करवा रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो हम लोग रख के उसे थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी करके लेंगे, क्योंकि हम लोग लेके जाएंगे वहाँ मंदिर के पास। घर से थोड़ा सा दूर ही है, तो फिर वहाँ से धूप भी हो गया है, तो वहाँ से फिर आना है लेके। तो बस जाने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, अब इतना सब कुछ तो हो ही गया है। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं घर से, मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ मंदिर के पास पहुँचने के बाद का ये है वीडियो, और खुशी को मट्टी खनना था, तो वहीं पूछ रही थी खुशी की कैसे क्या होता है, उसी को बता रही थी। तो यहाँ मंदिर के पीछे का जगह है, और शायद खुशी फ़ोन लेके खड़ी थी, बट मंदिर के आसपास का वीडियो ही नहीं बनाया इसने। और कई सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को घर के पास वाली मंदिर तो दिखाई है, नवरात्रि वाले वीडियो में तो मैंने एक दो वीडियो में दिखाया भी है। तो बस यहाँ पे ही तैयारी हो रही थी रस्म की, तो खुशी लेके जा रही है मट्टी निकालने। तो यहाँ पे हल्दी का घोल तैयार है छापा लगाने के लिए, जब सबको लगाया जाएगा हल्दी गाल में। बस यही सब तैयारी हो रही थी, और इधर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, ढोलक भी बजा रहे थे। और फ़ोन है मेरे हाथ में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम लोगों की मस्ती चल रही थी कि बच्चे थे, सभी हंसी ले रहे थे कि आंटी का ब्लॉगिंग चालू है इसमें। तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि बाहर जाती हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती, बट वीडियो भरपूर मात्रा में बना लेती हूँ। तो यहाँ भी मैंने कुछ बात नहीं किया है, बोला नहीं है आप लोगों से, बट वीडियो तो बना लिया है कि। और यहाँ खुशी मट्टी निकाल रही थी, तो यहाँ पर मैंने साउंड बंद कर रखा है, क्योंकि बहुत यहाँ पर गाली उली जैसे दिया जाता है गाना में, वो सब चल रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने साउंड बंद ही रखा है, और यहाँ पे फोटो हो रहा था, इसमें वीडियो क्लिप भी था, तो मैंने क्लिप ले लिया। तो हम लोग फोटो भी ले रहे थे साथ के साथ। तो
थोड़ा सा आप लोग माइंड मत करिएगा, क्योंकि जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तो ज़्यादा इधर उधर से आवाज़ आ रही थी, और कूलर और पंखा सब तो बंद किया था, बट फिर भी आवाज़ तो आ ही रही थी। तो अभी हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं बाहर घर के लिए, हम लोग रास्ते में घर जा रहे हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे मैं सबसे पीछे हूँ, और यहाँ पे सालू भी रेडी हो गई हैं आंगन में बैठने के लिए। तो बस पंडित जी आ चुके हैं, आंगन में पूजा कार्यक्रम चालू हो गया है, तो यहाँ पर भी मैंने छोटा सा वीडियो बना लिया है। तो यहाँ पे कैमरा आप लोग देख पा रहे होंगे बड़ा गंदा सा हो गया है फ़ोन मेरा, तो वही देख रही थी मैं, बट थोड़ा सा क्लिप था तो मैंने ले लिया, इसे भी रिमूव नहीं किया है। तो बस यहाँ पूजा वाला कार्यक्रम चालू है, पूजा पाठ हो रहा है, पंडित जी आ चुके हैं और रिकॉर्डिंग वाले भी हैं साथ के साथ, वो भी अपना काम स्टार्ट। पूजा लगभग हो ही चुका है, बस अब हल्दी लगाना रह गया, तो अभी सभी लोग हल्दी लगाएंगे, तो मैंने छोटा छोटा क्लिप यहाँ पे भी बना लिया है। पहले मम्मी उनकी हल्दी लगा रही हैं, फिर उसके बाद सब लोग लगा रहे हैं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लें, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो में कहीं कुछ कमी रह जाए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो, कहाँ क्या कमी है। तो अभी सभी लोग हल्दी लगा रहे हैं, बस अब मैं भी आ ही रही हूँ लगाने के लिए। और लगभग हल्दी वाला रस्म ऐसे ही सबके घर में होता है, ऐसे ही मनाया जाता है, तो हम लोगों ने तो ऐसे किया। और कहाँ आप लोग बताना चाहें कि आप लोगों के यहाँ कुछ अलग होता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें। तो यहाँ पे हल्दी चल रहा है, अभी सभी लोग हल्दी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद तो फिर चूमन होगा। लगभग लगभग सभी लोग हल्दी लगा चुके हैं, बस छोटे बच्चे रह गए हैं लगाना, तो वहीं सब अपना भी पूरा कर रहे हैं कि इन लोगों को भी लगाना था हल्दी। और मैं पीछे खड़ी हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा बार बार जो मैंने मांग में लगाया था टीका, तो इधर से उधर हो जा रहा था, और यहाँ पे फ़ोटो हम लोग लेने के लिए ऐसे हाथ करके खड़े थे, क्योंकि ये वाली फ़ोटो हल्दी में अच्छी लगती है, तो बस इसलिए खड़े थे। और उसके बाद चूमने आ गए हैं सीधे, तो और सभी लोग चूम चुके हैं, और अभी लोग कुछ लोग बाकी हैं, तो बस अभी हम लोग ऐसे चावल से चूमते हैं लड़की को, लड़की या लड़के जिसके भी शादी रहती है तो ऐसे चूमा जाता है। और आप लोगों के यहाँ वाली रस्म होती है कि नहीं, आप लोग भी बताइएगा, शादी तक ऐसे होता रहता है, शादी होने के बाद भी एक बार सब लोग ऐसे चूमते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली रस्म होती है कि नहीं। तो बस अब फाइनल हो चुका है हल्दी वाला रस्म, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।